वजन और आकार की अवधारणा को सिखाने के लिए आइए हम अपनी किट से कुछ शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करें। आइए इन्हें देखते हैं। वजन और आकार को समझने के लिए, वजन मापने के लिए आइए हम तोलने की मशीन का उपयोग करते हैं। यहाँ हमें यह देखना होगा, यहाँ दो बर्तन हैं और सूचक यह पता लगाने में मदद करता है कि यह संतुलित है या नहीं। पैमाने के अलावा हमारे पास बेस 10 के पीले घन और नीली छड़े हैं। यहाँ बेस 10 के एक घन का वजन 1 ग्राम है, प्रत्येक पीला घन 1 ग्राम का है और नीली छड़ 10 ग्राम की है। और इसके अलावा हमारे किट में 100 पीले घन हैं, इसलिए 100 ग्राम पीले घन और हमारे पास 20 नीली छड़े हैं जो कि 200 ग्राम है। तो लगभग हम 300 ग्राम वजन कर सकते हैं। हमें ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि ये हरे रंग के कुंदा 100 ग्राम नहीं है क्योंकि वो खोखले हैं, इसलिए हम उन्हें शिक्षण भार के लिए उपयोग नहीं करते। इसलिए हम हरे कुंदे का उपयोग नहीं करेंगे, हम केवल पीले घन और नीली छड़ियों का उपयोग करेंगे। कृपया इस बर्तन को देखें, इसमें 100 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर, 300 मिलीलीटर और 1000 मिलीलीटर आदि का अंकन है, तभी हम 1 लीटर तक तरल को माप सकते हैं। तो हम इसका इस्तेमाल 1 लीटर तक मापने के लिए कर सकते हैं। और लंबाई की अवधारणा को सिखाने के लिए हम किट में दिए गए टेप का उपयोग कर रहे हैं। टेप के एक तरफ हमारे पास इंच में बने निशान हैं और दूसरी तरफ सेंटीमीटर है। इस टेप का उपयोग कैसे करें इस पर बाद में चर्चा की जाएगी। अब हम वजन को मापने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम वजन को कैसे मापें। इस वजन पैमाने में समयोज्य नोट्स हैं। पहली बार और केवल एक बार प्रक्रिया में हम इसे आगे और पीछे ले जा सकते हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि पॉइंटर केंद्र में रहे। इसे सावधानी पूर्वक समयोजित और सुनिश्चित करना होगा कि यह संतुलित है। हम इसे अकेले छोड़ देते हैं। पैमाने के दोनों पात्रों को खाली होने पर संतुलित किया जाना चाहिए। हम तौल प्रक्रिया कैसे दिखाते हैं आइए देखते हैं। मेरे पास कुछ एबिकस रिंग हैं और मैं उन्हें एक बर्तन में रखूंगा। मैं कुछ और एबिकस रिंग लेता हूं और उन्हें दूसरे में डालता हूं। जो बर्तन भारी है वह नीचे चला गया है और हल्का बर्तन ऊंचा हो गया है और पॉइंटर एक तरफ झुक रहा है। जब हम निरीक्षण करते हैं तो हम समझते हैं कि यह बर्तन भारी है और यह हल्का है, लेकिन हम कैसे मापें कि वो कितना वजन करते हैं। यहां हम भारी और हल्का की अवधारणा देख सकते हैं जिसकी चर्चा पिछली कक्षा में की गई थी। हमने देखा है, हालांकि हम अभी तक औपचारिक इकाइयों में नहीं आए हैं। औपचारिक इकाइयां कौन सी हैं, हम उन्हें कैसे समझते हैं। बिंदु को देखने के लिए आइए हम मापें कि इस डिब्बे में रिंग कितने वजन करते हैं। मैं इस डिब्बे को खाली कर दूंगा। अब इस डिब्बे में, जैसा कि मैंने पहले बताया है, बेस 10 के पीले घन का प्रत्येक वजन 1 ग्राम है और बेस 10 के नीली छड़ों का वजन 10 ग्राम है और मैं एक बार में एक रखूंगा। आइए वजन देखते हैं। मैंने 10 ग्राम डाले हैं, एक नीली छड़। अब मैंने दूसरी नीली छड़ भी डाली है। अब मैं 1-1 ग्राम डाल रहा हूं, 1 घन, 2 घन, 3 घन, 4 घन और 5 घन। आइए अब देखते हैं डिब्बे में कितना वजन है। 10 ग्राम, 20 ग्राम,
21 ग्राम, 22 ग्राम, 23 ग्राम, इसलिए इस डब्बे में रिंग्स का कितना वजन है? 23 ग्राम। यहां हम अलग अलग वस्तु को उपयोग कर सकते हैं। कक्षा में वस्तुओं जैसे कि ज्यामिति डिब्बा, कलम, पेंसिल जैसे आसानी से उपलब्ध वस्तुओं को एक दिशा में रखा जा सकता है।